चार अंडे लेना है, इसके बाद इसके अंदर डालना है शक्कर एक ग्लास या कप, जो कप में हमने मैदा लिया था वही कप, एक शक्कर पिसी हुई डालना है एक कप, और इसको अच्छी तरह से बीट करना है मशीन के साथ, हैंड मिक्सर के साथ इतना बीट करना है कि ये एकदम फूल के ऊपर आ जाएगा। एक 5-6-7 मिनट, ये देखिए शक्कर उड़े ना ऊपर बोल के मैं पहले उसको मिक्स कर रही हूँ, उसके बाद मशीन ऑन देखो स्टार्ट। ये ऊपर आने के लिए पूरा 7 मिनट लगता है, 5-6-7-8 मिनट, तो तब तक आपको इसको ये देखिए ऐसे फेंकना है, इतना फेंकना है कि ये जब आप ये बाउल उल्टा करेंगे तो गिरेगा नहीं, इतना थिक बनाना है इसको, इतना ये मतलब पत्थर जैसा टाइप, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर अब हम डालेंगे 1/2 कप ये डालेंगे मैं, देखिए इतना घट हो गया है कि गिरेगा नहीं अभी ये बाउल में से, देखो इतना खूबसूरत भी लग रहा है ना। अब इसके अंदर डालूंगी 1/2 कप बटर या तेल, मैंने बटर डाला है, बटर ही अच्छा रहता है, वरना तेल भी डाल सकते हैं, पर बटर रूम टेम्परेचर का, और रूम टेम्परेचर का 1 कप जिसमें हमने चीनी ली थी, चीनी का पाउडर, वही कप का दूध भी, वो भी नॉर्मल टेम्परेचर। मिक्स कर लेने के बाद अभी हमने इसको रखना है साइड, अच्छा मिक्स हो गया अभी ये, साइड रखने के बाद जो कप में हमने चीनी ली थी उसी कप के 2 1/2 कप ये 2 कप और थोड़ा सा कप 3/4 बोलते हैं ना, उतना 2 कप्स एंड 1/4 का मैदा, इसको 3-4 बार छान लेना है, और 1 1/2 स्पून बेकिंग पाउडर और 1 चुटकी बेकिंग सोडा, ये डाल के इसको मिक्स कर लेना है। जब छानते रहते हैं तभी आप डाल सकते हैं या बाद में, मैंने बाद में डाला है, 1 चुटकी सोडा डाल दिया अभी, और इसको मिक्सिंग गाइज, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना प्लीज़। मिक्स होने के बाद अच्छी तरह से इस छानने के टाइम नहीं डाला था, अभी फिर वापस ये बैटर लेके आएंगे, एक बैटर और इसके अंदर जाएगा 2 टेबल स्पून वनीला एसेंस, वनीला केक है तो वनीला एसेंस 2 टेबल स्पून, उसके बाद इसके अंदर थोड़ा थोड़ा बाकी ना हो इसलिए मिक्स करने के बाद एक बार इसको मशीन को ऑन करना है, जब आप आटे वाला डाल देंगे
शाइनी बैटर बनाना है, बटन खोल के मैं फिर से इसको 2 मिनट्स बनाना है। कंसिस्टेंट ट्रे को हमने एक माउंट को यूज कर दिया है, बटन से बटर पेपर पे रखा है, थोड़ा सा मिक्सचर उसमें मदद किया है। करना है ताकि बबल्स निकल आए, एयर बबल्स, और हमने इसको वेट करना है 170 पे फॉर एटलीस्ट 25 मिनट्स। 25 मिनट्स केक रेडी हो गया है। देखिए आपके सामने भी इतना डिलीशियस केक बना है। इसको आप मॉइस्ट भी कर सकते हैं, दूध के अंदर थोड़ा सा शक्कर या दिखा नीचे नीचे रख कैमरा नजदीक आ। हाँ ये पूरा दिख रहा है, कट कर सब। दिखा पूरा, जरा फाइव कर। अभी जरा व्लॉग भी ले।